ये हैं उत्तर पूर्वी जिला भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्वेता कौशिक और इनके साथ बैठे भाजपा कादीपुर मंडल अध्यक्ष सुरेश कैन और मंडल उपाध्यक्ष अजय झा। आप सोच रहे होंगे ये तीनों भाजपा के पदाधिकारी मोबाइल फोन देखने में क्यों जुटे हुए हैं। दरअसल ये तीनों मिलकर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं और मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा की टिकट की चाह रखने वाले अभी तक तो पुरुष दावेदार ही पोस्टरों में दिख रहे थे, लेकिन अब भाजपा की यह तेज तर्रार महिला नेता भी इस श्रृंखला में जुड़ गई है। बुराड़ी में समस्याओं का अंबार है कि यहां की टूटी सड़कें, क्षेत्र में जाम और अतिक्रमण, पानी निकासी से लेकर पीने के पानी जैसे तमाम समस्याएं से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। ये बात हम नहीं बल्कि अधिवक्ता और उत्तर पूर्वी जिला भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष श्वेता कौशिक ने आरोप लगाते हुए कही। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने एक विशेष मुलाकात के दौरान जब श्वेता कौशिक से बात कर बुराड़ी क्षेत्र के मुद्दों को लेकर जानने का प्रयास किया, उन्होंने खुलकर मुद्दों को लेकर खुलासा किया। क्या है वो मुद्दे, क्या है समस्या, आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता की श्वेता कौशिक के साथ बातचीत की है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका राजेश खन्ना। दिवाली आ रही है, दिवाली से पहले धनतेरस, इस तरह से कई त्यौहार आ रहे हैं और दिवाली मिलन की जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज हम आए हुए हैं कादीपुर में और हमारे साथ अधिवक्ता महिला मोर्चा उत्तर पूर्वी जिले से जो है, मैम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मैं एडवोकेट श्वेता कौशिक, हाल में ही मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष बनी हूँ। उत्तर पूर्वी का गौरव मेरे को मिला है उसका नेतृत्व करने का, महिलाओं के संगठन के साथ आपके सामने हूँ। तो श्वेता जी, जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आप जो है कि महिला मोर्चे के अध्यक्षा भी हैं, तो वैसे तो दिवाली का माहौल है, राजनीति की बात तो खैर बनती है नेताओं के साथ करने के लिए, तो जानना चाहेंगे कि बुराड़ी विधानसभा को लेकर क्या है, क्या मुद्दे हैं, क्या विधायक की जो है कि उपलब्धियां या कमियां हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बुराड़ी विधानसभा में ऐसा कौन सा मुद्दा बचा है जो नहीं है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया एक ही मुद्दे एक तरफ और बुराड़ी एक तरफ। आप साउथ चले जाएं, नॉर्थ चले जाएं, इधर वेस्ट चले जाएं, फिर भी आपको जाम से तो हल्का फुल्का आपको मेन रोड पे मिलेगा, लेकिन आपकी क्लीचिंग खराब नहीं होगी। बुराड़ी में आने से पहले बंदा दो बार सोचता है, क्या मैं मिठाई का डिब्बा देने उसके घर चला जाऊं? तो मेरे को तो लगता है भाई ये प्रॉपर बात है कि भाई लोग भी त्योहार देने के लिए 10 बार सोचते होंगे बुराड़ी की बहनों को कि क्या हम अपनी बहन के घर जा रहे हैं तो हम समय से वापस आ जाएंगे। तो बुराड़ी की हालत बहुत गंभीर है भाई साहब, बुराड़ी इस वक्त बीमार है। तो मुझे लगता है कि बुराड़ी को सुरक्षा और सुनिश्चित व्यवस्था देने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। क्या मुद्दे हैं यहाँ के जो है मुख्य तौर पे, वैसे तो जो है कि बहुत आरोप लगते हैं, आप थोड़ा जानना, आपसे जानना चाहिए। सबसे पहले तो पानी ही बहुत बड़ा मुद्दा है, गंदा पानी, सीवर, सीवेज, भराव, नालियों में भराव, आप थोड़ी दूर चले जाए कूड़े का भंडार, और भी सड़कें बेहाल, और यहाँ से चलते 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 आप चले जाए, आप देखें गाय वगैरह पे भी आए तो रोडों पे आपको जानवर दिखाई देंगे जो बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। धुंध आ रही है, पॉल्यूशन आ रहा है, हम एकदम से अचानक से बीच में बैठा हुआ जानवर उठ जाए तो व्यक्ति मतलब जो टू व्हीलर पे चल रहा है वो तो अपनी जान से खुद ही खेल रहा है, और बहुत से ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं भाई साहब। आप बुराड़ी पे चले जाएं, संतनगर चले जाएं, आप रोडों की हालत देखें जाके, कितने कितने गंभीर हालत से संतनगर गुजर रहा है। तो मुझे लगता है इस पे बहुत गंभीरता से विषय लेने वाली बात है। विधायक जो है ना, ठीक कह रही है आपकी, आपके मुताबिक जो है कि काम नहीं हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि विरोध की स्थिति भी इतनी नहीं मतलब उत्पन्न करी गई है उनके खिलाफ कुछ, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं विरोध, आप मुंह से नहीं बोल रहे लेकिन आपकी एक्टिविटी गतिविधि तो विरोध देख रही है ना। आपकी गतिविधियां, आपके प्रभाव, आपकी दिनचर्या, डेली की डेली आपकी दिनचर्या जो लोग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, व्यवस्था बन रही है, तो ये तो विरोध का ही एक रूप है। और आप जनता को, आम जनता के बीच में जाके पूछे ना कि कितना विरोध है कितना विरोध नहीं है, क्या हाय हाय करने से क्या असली मुद्दा सामने आता है? उनकी दैनिक दिनचर्याओं पे जाके देखिए, उनके हालात देखिए, उनसे पूछिए, उनके दिल की बात करिए, विरोध सामने है। ठीक है, आपने दिल की बात, श्वेता जी जानना चाहेंगे कि उनकी दिल की बात क्या, वो विधानसभा के चुनाव की रेस में है? बिल्कुल है। अगर पार्टी मुझे मौका देती है और वो मेरे को समझती है कि मैं उनका एक अच्छा सिपाही निकल सकती हूँ, तो उन्होंने लड़ना सिखाया तो जीतना भी वही सिखाएंगे। तो आप एक महिला शक्ति भी हैं, तो महिलाओं के लेकर आप क्या आप कहना चाहेंगे? तस्मे तत्व विजव है ते स्त्री नमो नमः। तो मैं तो ये चाहती हूँ जहाँ पे हमेशा
स्त्रियों की पूजा होती है वो सम्मान्य रहती हैं, मान्य रहती हैं, उनको जगह सही स्थान उनका मिलना चाहिए। और 33% आरक्षण के साथ मोदी जी ने ये हमें सम्मान दिया है। हम उनको आश्वस्त करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि जरूर हम ऐसा काम करेंगे और ऐसा काम करके दिखाएंगे कि महिलाएं हमेशा सर्वस्व रही हैं, उच्च ऊंचाइयों पर पहुँचेंगी और अपने भारत देश का नाम रोशन गौरवान्वित करेंगी। शुक्रिया श्वेता जी। ये थे हमारे साथ उत्तरी पूर्वी भाजपा जिला मोर्चा की अध्यक्षा श्वेता जी, और आज इन्होंने बताया, काफ़ी मुद्दे बताए बराड़ी के, और देखते हैं आगे जो है कि और भी हम क्षेत्र में मिलेंगे लोगों से। मैं टोटल खबरें दिल्ली से राजेश कर रहा हूँ।